फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ बेनिफिट्स एंड डीआईवाई रेसिपीज बाय सोनाली को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनाली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कुछ ऐसे स्पेशल टिप्स जो आपके डेली लाइफ में और किचन में काम करते टाइम आपके बहुत काम आ सकते हैं। मैं अपने चैनल पर बहुत सारे टिप्स शेयर करती रहती हूं, चाहे वो डेली लाइफ के टिप्स हों या वो किचन टिप्स हों, वो सभी आपके लिए बहुत यूजफुल होते हैं और बहुत सारे टिप्स बिल्कुल नए होते हैं जो किसी को पहले पता नहीं होते। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट है, आप सारी टिप्स की वीडियोस देख सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से भी वो वीडियोस देख सकते हैं। और ऐसे ही नए नए टिप्स पाने के लिए और नई नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहली टिप है, आपको लेना है प्याज का रस और सिरका यानी विनेगर, इन दोनों को आपको बराबर मात्रा में लेना है और उससे आपको स्टील के बर्तन साफ करने हैं। तो आप देखेंगे जो आपके स्टील के बर्तन है वो एकदम चमकने लगेंगे। दूसरी टिप है, अगर आप दानेदार एवं खस्ता बर्फी बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बेसन में थोड़ी सी भुनी हुई सूजी मिलानी है। इससे क्या होगा, जो बर्फी है वो खस्ता बनेगी और उसका स्वाद भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरी टिप है, यदि आपको लग रहा है कि आपका जो दूध है वो फट जाएगा या फट सकता है, तो आप क्या करें, दूध को उबालते समय उसमें एक स्टील की चम्मच डाल दें, इससे जो दूध है वो फटेगा नहीं। चौथी टिप है, अगर आप चना मटर छोला या राजमा आदि को जल्दी उबालना चाहते हैं तो उबालते वक्त पानी में नारियल तेल की कुछ बूंदें डाल दें, उससे क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो भी आप इनमें से जल्दी उबालना चाहते हैं वो जल्दी उबल जाएंगी। पांचवीं टिप है, करारी और कुरकुरी मठरी बनाने के लिए मैदे को घी की जगह तिल के तेल से गूंदें, यानी जो मठरी के लिए आप मैदा गूंदते हैं उसमें जो मोयन डालते हैं, घी का मोयन डालते हैं, उसकी जगह पे तिल के तेल का मोयन डालें, इससे मठरी का स्वाद और कुरकुरापन दोनों बढ़ जाता है। छठी टिप है, पोहा बनाते समय 3 चम्मच दूध मिला दें, इससे क्या होगा, जो आप पोहा बना कर रखेंगे वो लंबे समय तक खाने लायक बना रहेगा और सूखेगा नहीं। सातवीं टिप है, यदि कपड़ों पर रोई आ जाए तो आप एक नया स्कॉच ब्राइट लें, जिससे आप बर्तन साफ करते हैं वो वाला स्कॉच ब्राइट लें और उसे पूरे कपड़े पर हल्के हाथों से रगड़ दें, इससे क्या होगा, आपके सारे कपड़ों के रोए खत्म हो जाएंगे। आठवीं टिप है, अगर आप पुराने कुकिंग ऑयल में कड़ी पत्ता मिलाकर उसे एक बार उबाल देंगी तो जो तेल है वो फिर से ताजा जैसा लगने लगेगा, यानी वो फिर से फ्रेश हो जाएगा। नौवीं टिप है, बराबर मात्रा में आपको सिरका और पानी मिलाना है और उससे फर्नीचर को साफ करना है, आप देखेंगे फर्नीचर जो है आपका चमक उठेगा। दसवीं टिप है, उबले आलू में थोड़ा सा दूध डालकर उसे मैश करें, इससे क्या होगा, आलू अच्छी तरह से और एक जैसा मैश हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताए 10 आसान से घरेलू टिप्स जो आपके डेली लाइफ में और किचन में काम करते टाइम आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जल्दी ही मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए स्क्रीन पे दिए वीडियोस को क्लिक कीजिए, आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।